इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री रमण लाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमण लाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमण लाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार पुत्र पुत्रवधु श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र। क्या हम पाते हैं, क्या हम छोड़ते हैं, किसे पाने की हम इच्छा रखते हैं, किसे जोड़ने की हम इच्छा रखते हैं, और कितना छोड़ने का हम भाव रखते हैं। व्यक्ति हमेशा कुछ चीजों के पीछे भागता है, जब उसके लिए वो बहुत अच्छी लगती है तो उसे सहेजने की जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिसे आज तक हमने जोड़ा है क्या वो उस योग्य था भी कि नहीं, विषय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक की दृष्टि अपनी अपनी होती है, संसार को देखने की, वस्तुओं को देखने की और जोड़ करके रखने की, लेकिन सही समझ विकसित होना बहुत कठिन होता है। आज तक वह सही समझ, सही ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जब हमें कोई बताने भी आता है कि जिसके पीछे आज तक हम भागते हुए आए हैं, पकड़ते हुए आए हैं, जोड़ते हुए आए हैं, उसकी कोई इतनी वैल्यू थी ही नहीं, तो मन सहसा विश्वास करता नहीं है। क्या करें, संस्कार बहुत लंबे पुराने हैं, अनादिकाल के। एक बड़ी अच्छी कथा आती है, एक जन्मांध व्यक्ति रेगिस्तान में यात्रा पर निकला था। उसकी आंखें जन्म से ही नहीं थी, अंधा था। और जो अंधे होते हैं, आंखों से नहीं देख पाते हैं, वह अपने हाथों से, स्पर्शन इंद्रियों से छू करके सब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अंधों की लाठी ही एक प्रकार से उनकी आंखें होती है। उसी लाठी के प्रयोग से धीरे धीरे वो यात्रा करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बड़े संभल करके चलते हैं, सोच विचार करके चलते हैं। कई बार आंख वाले गिर जाते हैं, लेकिन अंधे नहीं गिरते हैं, वे अपने आप को संभाल लेते हैं। उनका हर कदम बड़ा अच्छा होता है, विचार करके उठाया गया होता है। कदम उठाने के पहले वह चेक करते हैं स्थान क्षेत्र, कदम उठाने लायक है भी कि नहीं, आगे रास्ता है भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आगे गड्ढा हो जाए, उबड़खाबड़ भरा हो, तो पहले ही कदम को पीछे खींच लेते हैं। इतना विशेष ज्ञान वो उपयोग में लाने लगते हैं। एक ऐसा ही अंधा रेगिस्तान की यात्रा पर चल रहा था, ठंड का मौसम था, उसके हाथ में एक लकड़ी थी, अकेला था। चलते चलते बीच रास्ते में एक आंख वाला व्यक्ति मिल गया। अब एक से दो हो गए, दोनों यात्रा करते हुए जा रहे थे। संध्या काल का वक्त आता है, दोनों वहीं पर एक रेत के टीले पर विश्राम करने लगते हैं, जा सकते नहीं थे, सो जाते हैं। और जब सवेरे होने का वक्त आता है तो जो अंधा व्यक्ति है उसकी आंख पहले खुल जाती है, चारों तरफ टटोलता है कि मेरी लकड़ी कहाँ गई। सबसे पहले उसे याद आती है अपनी लकड़ी की, क्योंकि उसी की आंखें वही थी। मेरी लकड़ी कहाँ गई, कुछ उसे नजर नहीं आ रहा था, यानी पकड़ में नहीं आ रहा था कि है कि नहीं, उसकी लकड़ी वहां पर उसके हाथ में आ ही नहीं रही थी।
पर एक दूसरी वस्तु उसके हाथ में आ गई, वह भी लकड़ी के ही शेप की थी, लंबी सी थी, पतली सी थी। पर जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, वो समझ गया कि ये लकड़ी मेरी तो नहीं है, कुछ और ही है, ये दूसरी लकड़ी मुझे मिल गई है। मेरी लकड़ी जो थी बड़ी खुरदुरी थी, अलग प्रकार की थी, थोड़ी मोटी कम थी, ये लकड़ी थोड़ी मोटी सी है। मोटी होने के साथ साथ थोड़ी इसकी डिजाइन भी है, ऐसा शेप एकदम स्ट्रेट नहीं था, थोड़ा सा अलग प्रकार का शेप था, लेकिन बड़ी स्मूथ थी, चिकनी थी। उसे उठाता है और खड़े हो जाता है, आगे बढ़ने को होता है। बोले आगे बढ़ूं उससे पहले उस दूसरे व्यक्ति को उठा लूं। उसी लकड़ी के इशारे से उसे टच करते हुए आंख वाले व्यक्ति को उठाता है, तो आंख वाला व्यक्ति जैसे उसे कुछ स्पर्श होता है, उसकी निद्रा खुल जाती है। लेकिन जिस लकड़ी से वो अंधा व्यक्ति उसे टच कर रहा था, वो एकदम डर जाता है। अंधा व्यक्ति जिसे पकड़ा हुआ था, उसे देख करके वो एकदम डर जाता है। वो आंख वाला व्यक्ति कहता है, तुम क्या पकड़े हो? बोले, मेरी लकड़ी नहीं मिल रही थी, भाग्य से, किस्मत से भगवान ने मुझे दूसरी अच्छी मोटी सी लकड़ी दे दी है, और बड़ी चिकनी है, स्मूथ है, और लगता है कि बड़ी सुंदर है, कीमती होगी, डिजाइन वाली, अच्छी वाली है। तो आंख वाला व्यक्ति कहता है, जिसे तुम लकड़ी समझ रहे हो, वो लकड़ी नहीं है। बोले, क्या है? बोले, सर्प है, सर्प। बोले, सांप है, सांप। जबकि रेगिस्तान में ठंड बहुत पड़ती है, रात के अंधकार में, रात्रि के समय बहुत ठंड पड़ती है, और इतनी ठंड पड़ती है कि बॉडी पूरी अकड़ जाती है, और खासकर सांप की विशेषता है, उसकी इसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। वो एकदम सूख करके लकड़ी की भांति हो गई थी, कड़क सी हो गई थी। अब अंधा व्यक्ति उस सांप को ही लकड़ी समझ करके उठा लिया था। आंख वाला व्यक्ति कहता है, जिसे तुम लकड़ी समझे, बोले लकड़ी है ही नहीं, बोले सांप है। वो कहता है, भले ही मैं जन्म से अंधा हूं, लेकिन इतनी समझ रखता हूं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे किस्मत से अच्छी लकड़ी मिल गई, तो तुम ललचा गए मेरी लकड़ी पाने को। ठीक है, मैं देख नहीं सकता हूं, मेरा भाग्य है, लेकिन अनुभव तो कर सकता हूं, छू करके तो मैं पता लगा ही सकता हूं, और जो मुझे मिला है भाग्य से, पुण्य से, वो सस्ती वस्तु नहीं मिली, कीमती वस्तु मिली है, और निश्चित मानना इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। इतना अनुभव तो मैं रखता ही, इतना ज्ञान तो मुझे है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे गलत नहीं समझो, मुझे लकड़ी से क्या चाहिए प्रयोजन, तुम्हारी लकड़ी तो मुझे चाहिए नहीं, पर मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं कि लकड़ी नहीं है, सांप है। चूंकि रात के अंधकार में ठंडी अधिक थी, इसकी पूरा इसका पूरा शरीर अकड़ गया है, अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलेगा, दिन हो जाएगा, तो ठंडी कम हो जाएगी, और सूर्य की किरणें फैलते ही जब तापमान बढ़ने लगेगा, तो इसका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ने लगेगा, और उसमें चेतना आ जाएगी, जागृत हो जाएगा, तब बड़ा खतरा रहेगा। समझाता है, बोले तुम सांप को पकड़े हो लकड़ी मान करके, तुरंत से छोड़ दो। अब अंधा व्यक्ति कहता है, तुम्हारा लालच कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम उससे यह कीमती लकड़ी हत्याना चाहते हो। ठीक है, मेरी वो पुरानी लकड़ी घूम गई, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ दिया है, मुझे कुछ अच्छा मिल गया है, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अब वह सुनने को ही तैयार नहीं है, अंधा व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं कि लकड़ी नहीं सांप है, लेकिन आंख वाला कह रहा है, नहीं लकड़ी नहीं सांप है, छोड़ो छोड़ो, यदि इसमें चेतना आ गई डस लेगा, और ये सांप ऐसा वैसा नहीं, बड़े भयंकर है, पतला सा सांप है, लेकिन यदि एक बार भी डस ले तो फिर जीवन का कोई भरोसा नहीं। वो तैयार ही नहीं हो रहा है, जब देखा आंख वाले ने, व्यक्ति ने समझ नहीं रहा है, बोला मैं तो तुमसे दूर से किनारा कर लेता हूं, मेरा रास्ता अब से अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। वो अपने अलग रास्ते पर निकल जाता है, और अंधा व्यक्ति उसी सर्प को लकड़ी मान करके
टिक टिक करके आगे चलना शुरू कर देता है। अब दिन पूरा निकल चुका, सूर्य पूरे उदय को प्राप्त हो चुका, उसकी किरणें फैल चुकी, अब तापमान बढ़ने को था। अब जैसे जैसे समय थोड़ा सा और बढ़ता गया, अब जो अखड़ी हुई बॉडी थी उस सर्प की, उसमें थोड़ा सा हलन चलन सा प्रारंभ हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ता है और सर्प पूरे जागृत अवस्था में आया, और जिस हाथ से उसने लकड़ी को पकड़ा था, सर्प को लकड़ी मान करके पकड़ा था, संयोग से उसका मुख उसी ओर था। जैसे इसकी चेतना पूरी आती है, तुरंत उस अंधे व्यक्ति को हाथ में वो डस लेता है और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। बड़ा अशुभ सा हो गया उसके साथ। कुछ समझ में आ रहा है? क्या किया था उसने, क्या गलती हो गई थी उसकी? अंधा था, उसे दिख नहीं रहा था, समझाने पर भी वह समझा नहीं, माना नहीं। आप लोगों ने क्या पकड़ करके रखा है, सिर्फ हमें पूछना चाहते हैं। क्या पकड़ करके रखा? महाराज जी बोले अजगर पकड़ करके रखा। क्या पकड़ कर रखा है और क्या मान करके पकड़ करके रखा है? वो तो बेचारा अंधा था, देख नहीं पाता था, उसकी दृष्टि ही नहीं थी। जीवन में पहली बार वो वस्तु से मिली थी, समझ नहीं पाया, दूसरे ने समझाया अभी, फिर भी वो समझ नहीं पाया। उसे लगा कि लालच के कारण मुझे समझाया जा रहा है, पर वस्तु स्थिति तो कुछ और ही थी। ऐसे ही आपको भी बहुत कुछ समझाया जा रहा है, लेकिन आप हो कि छोड़ने को तैयार ही नहीं। कितने लोग छोड़ने को तैयार नहीं है, क्या मान करके और जोर से पकड़ करके रखा है? उसने उसे लकड़ी माना, आपने क्या माना और किस वस्तु को पकड़ा है? थोड़ा सा बस इस बात की समझने की आवश्यकता है। अब गुरु आ रहे हैं, गुरु आ गए हैं, गुरु आपको बता रहे हैं जो आपने पकड़ा है वही आपको डसने वाला है। तो आपको क्या लगता है कहां डसने वाला है? ये तो कितना सुंदर है, कितनी कीमती वस्तु हमारे पास है, इसी से तो हमारी कीमत बढ़ रही है। हर व्यक्ति ने, हर संसारी व्यक्ति ने जिस जिसको पकड़ करके रखा है, बहुत कीमती मान करके पकड़ करके रखा है। अंधे के साथ यही परेशानी आ गई, उसने उसे लकड़ी मान करके, और वो भी कीमती लकड़ी मान करके पकड़ा था। यदि उस समय उसकी बात मान लेता, उस व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति की बात मान लेता, वो कीमती नहीं है बल्कि वो जानलेवा है, ये विश्वास उसका गहरा हो जाता, उसी समय छोड़ देता, वो बिल्कुल छोड़ देता, वो पकड़ता ही नहीं। गुरु आपको बता रहे हैं जो भी आपने जोर से पकड़ा है, जकड़ करके रखा है, पकड़ा ही नहीं तिजोरी में कैद करके रखा है, वह तो लकड़ी जो है जड़ वस्तु थी, आपने जड़ वस्तु को ही नहीं पकड़ा है और चेतन को भी पकड़ करके रखा है। क्या मान करके पकड़ करके कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, बस इसी का नाम है मोह। यही नहीं समझ पा रहा है संसारी व्यक्ति। हर व्यक्ति ने बहुत सारी लकड़ियां पकड़ करके रखा है, बहुत सारी, कम नहीं है, एक नहीं दो नहीं, घर में अलग है, बाहर में अलग है, तिजोरी में अलग है, और कहां कहां है उसे खुद नहीं पता होगा, कहां कहां है, कहां कहां बांध करके रखा है उसे खुद जानकारी नहीं होगी है। लेकिन अंदर एक बात अवश्य है,
जो भी आपने बांध करके रखा है, जोड़ करके रखा, आप सबकी दृष्टि में उसकी कीमत सबसे अधिक है। आप उसे बहुत कीमती मानते हो, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, और अन्य सारी वस्तुएं आपकी दृष्टि में कीमती है ही नहीं। खासकर जब कोई समझाने वाला व्यक्ति आता है तो आपको लगता है ऐसे ही बहलाया जा रहा है, ऐसी लगता है, नहीं लगता, लगता तो ऐसे ही। गुरु महाराज प्रवचन देते हैं, समझा रहे हैं, अब गुरु महाराज तो आंख वाले हैं, अब उसके साथ एक अलग समस्या थी, अंधे के साथ उसकी आंख थी ही नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है, आपके पास आंख भी है। उसे दिखता ही नहीं था, जन्म से ही नजर नहीं आता था, आप लोगों को दिख रहा है और हमेशा से दिखता हुआ आया है। कथनचित वह भूल में आ जाए, हो सकता है कथनचित वह समझ भी जाए, लेकिन आंख वालों को समझाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है ना, बड़ा दुर्लभ है। आप लोग मानने को ही तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप कहोगे महाराज जी प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये तो कीमती वस्तु है। अंधे के लिए आप कह सकते हो तो अंधा था, उसे दिख ही नहीं रहा था, लेकिन हमें तो नजर आ रहा है और हमने अनुभव भी किया है। आप सबका अनुभव भी है, नहीं अनुभव, जो जो भी आपने जोड़ करके रखा है, पकड़ करके रखा है, कीमती मान करके ही पकड़ के रखा है, उसकी कीमत आप लोगों की दृष्टि में बहुत होगी। जब गुरु कुछ कहते हैं तो आपको यह लगने लगता है गुरु की बातें, जिनवाणी की बातें जो है उसकी ज्यादा कीमत नहीं है, तभी तो व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं होता है। उससे कहा जाए तो वो और अच्छे से गिरफ्त में ले लेता है। अभी एक ही हाथ से पकड़ा था, दोनों और लगा लेगा कि छुटा ना लिया जाए मुझसे, कहीं जबरदस्ती ना कर ली जाए मुझसे, ऐसी है। जब भी कोई समझाने वाला व्यक्ति आगे आता है उसका मोह और बढ़ने लगता है, लगता है सबका, जितने बैठे हैं यहां पर। लेकिन इस दौर में जो व्यक्ति वास्तविकता को समझ लेता है, बस वहीं से उसका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, इतना ज्ञान अपने भीतर पैदा कर लेना, जो भी हमने पकड़ा है उसकी कीमत वास्तव में उतनी है भी कि नहीं, कहीं हम भ्रम में तो नहीं जी रहे। और बहुत सारे लोग, या यूं कहे सभी लोग प्राय भ्रम में ही जी रहे हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हायकू लिखा है, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। अभी तक आपको कोई बताने वाला शायद ना मिला होगा, अभी तक कोई उठाने वाला ना मिला हो, अभी तक कोई समझाने वाला ना मिला हो, अभी तक कोई परिचय कराने वाला ना मिला हो, तो व्यक्ति निद्रा के आगोश में चला जाता है, उठ नहीं पाता है। लेकिन कभी जब कोई जगाने वाला भी आए और उस समय भी ना उठ पाए हम, तो क्या कहा जाए इसे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी साजैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार पुत्र पुत्रवधु, श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र।